दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु सृष्टि के सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव इस सृष्टि का विनाश करते हैं। परंतु इन त्रिदेवों के सारे कार्य धर्म पर ही आधारित होते हैं और धर्म के लिए ही होते हैं। आपने राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम के बारे में तो सुना ही होगा। देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक अटूट प्रेम था, परंतु इसके बावजूद भी देवी राधा भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगनी क्यों नहीं बन पाई थी? क्यों राधा जी का विवाह किसी और के साथ हो गया था और श्री कृष्ण का किसी और के साथ? राधा जी लक्ष्मी जी का अवतार थी ही नहीं, वह भगवान श्री कृष्ण की दो मुख्य गोपिकाओं में से एक थी। देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में अवतार लिया था, जो कि आगे चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनी। यदि बात लक्ष्मी जी के अवतार के साथ ही विवाह करने की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे चलकर सत्यभामा से शादी क्यों की? त्रेता युग में भगवान विष्णु के श्री राम अवतार में देवी लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था, तब उन्होंने मर्यादा में रहकर मात्र अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मानव जीवन के दुखों का ही भोग किया था। मानव रूप में अपने पति से प्रेम करने की देवी लक्ष्मी जी की सारी भावनाएं अधूरी रह गई थी। इसीलिए लक्ष्मी जी की इन प्रेम भावनाओं ने राधा जी के रूप में एक अलग जन्म लिया था और स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में अवतार लिया था। फिर भी यदि ऐसा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ विवाह क्यों नहीं किया? मैंने एक जगह यह भी पढ़ा था कि देवी लक्ष्मी जी ने केवल रुक्मणी जी के रूप में ही विदर्भराज विष्मक के यहाँ जन्म लिया था, परंतु बचपन में ही पूतना नामक राक्षसी उन्हें उठाकर ले गई थी। यह पूतना राक्षसी वही थी जिसने अपने जहरीले स्तनपान से बचपन में श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। पूतना ने अपने जहरीले स्तनपान से देवी रुक्मणी को भी मारने की कोशिश की थी, परंतु देवी रुक्मणी ने उसका स्तनपान नहीं किया था और लोगों के आ जाने के कारण वह पूतना राक्षसी देवी रुक्मणी को लेकर आसमान में उड़ गई थी। पूतना जब देवी रुक्मणी को लेकर बहुत दूर चली गई, तब देवी रुक्मणी ने अपने आप को आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था और उन्होंने धीरे धीरे अपना वजन इतना बढ़ा दिया था कि मजबूर होकर पूतना को उन्हें छोड़ना पड़ा था। पूतना से छूटकर देवी रुक्मणी आसमान से पृथ्वी पर आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हो गई थी। बरसाना निवासी वृषवान अपनी पत्नी कीर्ति के साथ वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर कमल के फूल पर विराजमान उस बच्ची रुक्मणी पर पड़ जाती है और वह उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करते हैं और उसका नाम रखते हैं राधा। परंतु एक समय जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल और राधा को छोड़कर द्वारिकापुरी चले जाते हैं, उसके कुछ समय बाद ही विदर्भराज भीष्मक को यह पता चल जाता है कि राधा ही उनकी खोई हुई पुत्री रुक्मणी है, तो वह बरसाना आकर अपनी पुत्री रुक्मणी को वापस विदर्भ ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जब तक राधा का जिक्र होता है, तब तक रुक्मणी का कोई जिक्र नहीं होता और जब रुक्मणी का जिक्र होता है, तब राधा जी का कोई जिक्र नहीं होता। मैंने यह भी पढ़ा है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से आयु में 4 वर्ष बड़ी थी और रुक्मणी भी आयु में उनसे 4 वर्ष ही बड़ी थी। यहाँ तक कि रुक्मणी का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था और राधा जी का जन्म भी अष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि राधा जी और रुक्मणी जी दोनों एक ही थी।